assalamualaikum alaikum dear students welcome from the lahore garrison school so students hope you are all fine and today we are going to read lecture number four subject science and we have started the reading of unit 6 and the unit name is acids alkalis or bases and salts clear previous lecture may have properties of एसिड्स के बारे में पढ़ा था लाइक like उनका टेस्ट और होता है क्रोसिव उनका सोल्यूशन होता है जो बहुत जहरीला होता है लाइक like वो एनिमल टिश्यूज़ को फैब्रिक्स को डिस्ट्राई कर सकता है क्लियर इसके अलावा हमने टू प्रिपरेशन टेस्ट पढ़े थे जिंक सल्फ़ेट की और कैल्शियम क्लोराइड के जब जिंक सल्फ़ेट का सोल्यूशन होता है तैयार होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन होती है जबकि जब कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है क्लियर सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज प्रीवियस लेक्चर नेक्स्ट है हमने आज रीडिंग करनी है यूजेस ऑफ़ एसिड्स क्लियर यूजेस ऑफ एसिड्स है अ वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ द यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इज गिवन ब्लो इनके जो इस्तेमाल हैं उनका नीचे दिया गया है यानी कि तीन तरह के हमारे पास एसिड्स हैं जिनको हमने इस चैप्टर में रीड करने हैं उनके यूजेस के बारे में फर्स्ट वन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट है फार्मूला एच सी एल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज नंबर वन है फॉर क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द सर्फस ऑफ मेटल्स यानी कि मेटल की सतह से रस्ट को साफ़ करने के लिए क्लियर खास तौर पे जो मेटल को या आयरन रस्टिंग वाला आपने प्रोसेस पढ़ा होगा जिसमें क्या होता है आयरन को रस्ट लग जाता है यानी कि जंग लग जाता है तो उन उसमें जो रस्ट होता है उसको क्लीन करने के लिए एच यूज़ किया जाता है सेकंड नंबर पे है फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट और कॉमन साल्ट जिसको हम एन बोलते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है नंबर थ्री पे है टू मेक एक्वा रेजिया यूज़ टू डिज़ो नोबल मेटल सच एज गोल्ड क्लियर एक्वा रेगिया है इसको बनाने के लिए एक्वा रेगिया जो है इसका फॉर्मूला है थ्री एच सी एल प्लस एच एन ओ थ्री यानी कि जब हमारे पास तीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक अमोनिया का मालिक्यूल मिलेगा तो हमारे पास ये सोल्यूशन बनता है एक्वा रग्ञा का ठीक है और ये एक्वा रैग्ञा जो है ये फिर किस लिए यूज़ होता है नोबल मेटल्स को डिजॉल्व करने के लिए नोबल मेटल्स कौन से होते हैं लाइक गोल्ड क्लियर नंबर फोर पे है फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च स्टार्च जो पोटैटोज़ वगैरह में पाए जाते हैं उनसे ग्लूकोज़ को बनाने के लिए एच को यूज़ किया जाता है और ये भी एक प्योरीफिकेशन टेस्ट है ग्लूकोज़ जो जिसको हम शुगर भी बोलते हैं क्लियर नेक्स्ट है फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक ये हम फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ चुके थे कि एच जो है वो एंटीसेप्टिक होता है और ये स्टमक में डाइजेशन के लिए यूज़ होता है क्लियर प्रोटीन्स की यानी कि प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए सो so स्टूडेंट्स ये थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस नेक्स्ट हैं नाइट्रिक एसिड क्लियर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है एच एन ओ थ्री ठीक है नाइट्रिक एसिड है दैट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड जो है वो ज़्यादातर फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अमोनियम नाइट्रेट ये हमारे पास एक फ़र्टिलाइज़र है अब फर्टिलाइज़र किस लिए यूज़ होता है ये फ़सलों में यूज़ किए जाते हैं हम जब अपनी क्रॉप को उसे ज़्यादा मकदार में हासिल करना चाहते हैं यानी कि क्रॉप को अच्छा करना चाहते हैं तो हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं क्लियर नंबर टू पे है फॉर मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव ठीक है एक्सप्लोसिव यानी कि आतिश फशाव वाले जो सामान होता है मटेरियल्स उनको प्रिपेयर करने के लिए एच एन थ्री को यूज़ किया जाता है नंबर थ्री पे है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ़ डाइज प्लास्टिक्स एंड आर्टिफिशियल सिल्क डाइज प्लास्टिक और आर्टिफिशियल सिल्क को बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है उसके बाद है बेटा नंबर फोर पे फॉर एचिंग डिज़ाइंस ऑन मेटल्स लाइक कॉपर ब्रास एंड ब्रॉन्ज यानी कि ये मेटल्स हैं हमारे पास मेटल्स के नेम है कॉपर ब्रास और ब्रॉन्ज इन पर डिज़ाइंस को बनाने के लिए एच सी एल का इस्तेमाल किया जाता है क्लियर सो so ये थे नाइट्रिक एसिड के यूजेस इसके बाद एक्वा जो है उसका मैं आपको अगेन बताती जाऊं कि एक्वा जब तीन एच सी एल के मालिक्यूल और साथ एक नाइट्रिक एसिड का जिसको एच एन ओ थ्री बोलते हैं इनको आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास एक्वा बनता है ठीक है उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड जिसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है ये यूज़ होता है एज़ आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट ठीक है नंबर वन पे नंबर टू पे है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र्स लाइक अमोनियम फास्फेट कैल्शियम अमोनियम फास्फेट कैल्शियम सुपर फास्फेट ए ठीक है नाइट्रिक एसिड के साथ साथ ये भी फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नंबर थ्री पे है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेलेट प्लास्टिक आर्टिफिशियल सिल्क पेंट्स ड्रग्स एंड डिटर्जेंट्स डिटर्जेंट्स जो हैं उनका आपको अच्छे से पता है को वह किस लिए यूज़ किया जाता है साफ़ सफाई के लिए ड्रग्स पेंट्स ये पेंट्स जो है रंग वगैरह के लिए और ड्रग यानी कि मेडिसन को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अलावा जो प्लास्टिक है सेलोलेट प्लास्टिक आर्टिफिशल सिल्क ये ज़्यादातर कपड़े बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं ठीक है आर्टिफिशियल सिल्क और प्लास्टिक आर्टिफिशियल सिल्क जो है ये कपड़ा बनाने के लिए और प्लास्टिक यानी कि जो प्लास्टिक बोटल्स या इनका जो मटेरियल्स होता है उनको तैयार करने के लिए ये यूज़ होते हैं उसके बाद है बेटा नंबर फोर पे इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग टेक्सटाइल पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज़ इन चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फाइव पे है इन लेड स्टोरेज बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी जो ज़्यादातर गाड़ियों वगैरह में यूज़ होती हैं उनको उनमें भी एच टू ओ फोर पाया जाता है ठीक द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर सो लार्ज एंड सो इम्पॉर्टेंट दैट इज़ नॉन एज द किंग ऑफ केमिकल्स चूँकि इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं इसलिए इन इसको सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स क्लियर सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी रीडिंग नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर फोर क्वेश्चन नंबर वन है आपने डायग्राम ड्रा करनी है एस्टिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की इस डायग्राम में एस्टिक एसिड की जगह एथोनोइक एसिड लिखा हुआ तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि एस्टिक एसिड को एथोनोइक एसिड भी कहते हैं ठीक है ये इसका सेकंड नेम है साइंटिफिक नेम क्लियर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एक्वा रेगिया तो ये मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी दौरान ही बता दिया है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू राइट एनी थ्री यूजेज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो ये आपके थ्री यूजेज हैं जो हमने अभी पढ़े हैं क्लियर सो स्टूडेंट्स दिस इज़ आवर लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी थैंक यू स्टूडेंट्स